कोई संस्था में जाते हैं इसलिए एक इम्प्रेशन है, और एक है हम क्लेम करते हैं गॉडली चाइल्ड है। संस्था में तो बहुत सारे जाते हैं, तो इसलिए बाबा ने विशेष इस पर फोकस किया। और बाबा ने कहा एक बार दान दे दिया तो हाँ, फिर अगर हम वैसे तो कितने बार क्रोध कर लेते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो किसी ने फिर पूछा कि फिर तो दान ही नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि भरोसा नहीं है खुद के ऊपर, कभी भी हो जाएगा क्रोध, तो दान या तो दे नहीं, या फिर ये लॉ थोड़ा रिलैक्स करे। तो देखो, दान का संकल्प आया, बाबा को मैंने ये दिया, क्रोध दिया, तो उस समय पुण्य इकट्ठा किया। कितने समय तक पुण्य इकट्ठा किया, क्योंकि याद किया तो पुण्य भी तो कमाया बहुत। अगर संकल्प ही नहीं करते तो पुण्य भी तो नहीं कमाते। हाँ, फिर कुछ किया तो वो तो लॉ है, पर पुण्य कितना कमाया, हम लॉस को कभी देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी तो हुआ। तो इसलिए संकल्प दान तो छूटे ग्रहण। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6:10, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसी हब कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। अच्छा, प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? कौन बैठ सकता है इस ईश्वरीय क्लास में? जो नहाकर आए, जो यूनिफॉर्म पहन के वीडियो खोल के बैठे, जो पढ़ा कौन रहा है? अच्छा, ये भी ठीक है। और कौन बैठ सकता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्माएं। अच्छा, आज बाबा का बाबा थोड़ा पढ़ा अच्छा। रहे हैं ये सोचे अच्छा, आंसर है बाबा का। नहीं, वो तो चलो हमको समझना है, लेकिन कौन बैठ सकता है इस ईश्वरीय क्लास में? जो मन बुद्धि को हद की बातों से निपटा करके बेहद में आ जाए। जब हम क्लास में बैठे तो अव्यभिचारी याद हो, जिसकी याद एक बाप यहां बैठे बुद्धि योग और कहीं हो, तो इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। ओनली बाबा, अव्यभिचार मतलब और कोई बुद्धि में, और अव्यभिचारी मीन्स ओनली बाबा। तो जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है, यहां बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहां बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी क्या है, डिससर्विस है। यहां के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। कड़े कायदे हैं ना इस यज्ञ के, इसलिए इतनी वृद्धि नहीं होती। इतने सालों में सिर्फ इतने, नहीं तो बहुत कोई तो काफी कुछ कर सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी डिसर्विस है, क्लास में बैठे और को याद करते रहे। प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? दूसरा प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? कौन सी याद से? हम्म,
कुछ भी होता रहे खुश रहे। इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता है। अवस्था क्या है? तो रोगी है दुनिया में, दुख की भोगना है, भोगी दुनिया है, तुम्हें डैश की मना है। रोने की मना, रोने की मना है। माताएं पक्की पक्की सोचो, गीते मुखड़ा देख ले प्राणी, आगे आ जाओ। ओम शांति। ये किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे न कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो वा पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित तो मानते हैं, तो बाप कहते अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही है, तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? अब देखो बाबा कहते पूछो अपने आप को कि हमने कौन कौन से पाप किए, तो याद करना है पास्ट को। वैसे याद इसलिए कर रहे हैं कि अब उसको एक फॉरगिवनेस, रोज अमृत वेले के बाद पूरा अपना हो जाए ना, तो ये बहुत जरूरी है, मतलब एक बहुत अच्छा नियम है। और अगर पूरे दिन भी संकल्प आता है, जिन जिन आत्माओं को कभी कभी, क्योंकि वो आत्मा वो संकल्प उस समय जो करके गई है वो रखा हुआ है उसने हमारे लिए, मतलब वो इम्प्रेशन है, अकाउंट बन गया है, तो उन सब के इसलिए याद करना है। पाप इसलिए नहीं याद करना है, गिल्ट के लिए, फॉरगिविंग उसके लिए। तो इसलिए पूछो हमने कौन कौन से पाप किए हैं, जब तक याद है, इवन बचपन में, चाहे ज्ञान नहीं भी था तब भी बहुत कुछ किया था ना। तो बाप आत्माओं से पूछते हैं कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते हैं, तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबरवार पापात्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए, आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्यात्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है, वह अब कहां गए? सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण को, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे परंतु उनकी पूरी डिनेस्टी थी। कमलेश इस तरफ, उस समय के भारत को पावन कहा था, वहां देवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते अहिंसा परमो धर्म, सत्यु के सर्वगुण संपन्न, देखो 5 डिग्रीज है जो नए हैं उनको, सर्वगुण संपन्न वहां की डिग्रीज आत्माओं के, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस, कंप्लीट वाइसलेस, और मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिफ्थ है खान पान की शुद्धि। क्या बोला राज भाई? खान पान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि। ये क्या? ये अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, आत्मा की शुद्धि नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। खान पान की शुद्धि बोला, खान पान की शुद्धि नहीं, वो भी नहीं है, खान पान की शुद्धि तो बोलने की, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते हैं तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं
अहिंसा परमो धर्म, तो वह अहिंसक भी थे। हिंसक दो अर्थ है, हिंसा माना किसका घात करना मारना, घात भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के घात कौन से है नहीं बताए कल्पना में। अच्छा दूसरा दूसरा फिजिकल क्रोध। अच्छा दूसरा क्रोध करना, तो एक है फिजिकल, दूसरा क्रोध करना, वो भी तो फिजिकल ही हुआ क्रोध करने के बाद। कौन सा है और नहीं बता पदम भाई अनम्यूट करो। काम विकार, दो प्रकार की हिंसा बाबा ने कहा, एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको क्रोध से मारना। फिर वो क्रोध फिजिकल इंटरनल कुछ भी हुआ, शब्दों के द्वारा वो मतलब नॉर्मली हमने सोचा ना फिजिकल मतलब एक है शब्द हाथों से मारना, एक है शब्दों से मारना, वो नहीं। एक है काम कटारी चलाना, एक है क्रोध। हाँ काम मतलब काम वाला तो है ही, उसके बाद उसके अलावा जो भी है वो फिर चाहे वो संकल्प है शब्द है वह कैसे भी, मैं ये भी संकल्प मुझे ऐसा लगता है थप्पड़ मार दो संकल्प किया ना तो वो सब उसमें आ जाता है सेकंड वाले में। तो हिंसा माना किसका घात करना, इस समय सब पापात्मा है। कहते हैं ना मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो नंबर वार होते हैं ना, परंतु है पापात्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं है, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, कहते शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। अच्छा बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं, कहते शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते, जन्म हुआ लेकिन कैसे जन्म लेते वो नहीं जानते, फिर अजन्मा कहते हैं। शिव अजन्मा है, इसके अलग अलग भक्ति मार्ग के कितने सारे यादगार कहो या टर्मिनोलॉजी को, स्वयंभू और स्वयंभू, स्वयं भू, भू मतलब रचना, सेल्फ क्रिएटेड है, उसको कोई क्रिएट नहीं किया, अजन्मा है। और शिव शिव मतलब पॉइंट है, पॉइंट का क्या जन्म होता है, शिव मतलब ही बिंदु। ये जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो का था, उसमें शिव शिव बोलते थे, तो शिव मतलब बिंदु। नो शिव लिखते थे, तो शिव मतलब बिंदु, तो बिंदु का क्या जन्म होगा। तो हिंसा माना किस, सॉरी, तो कहते शिवाय नमः, तो बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं, कहते शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं शिव कैसे जन्म लेते, अब अगर शिव जन्म लेते हैं तो कैसे लेते ये वो नहीं जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे ही जानते हो परमात्मा कैसे जन्म लेते। कहते शिवरात्रि, शिव जयंती कहते हम लोग, शिव जयंती कहते और दुनिया में कहते शिवरात्रि। तो शिवरात्रि रात्रि कौन सी, रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते हैं,
फिर भक्ति मार्ग में भी कहते गंगा स्नान करो, चार धाम की यात्रा करो, ये तो धक्के हुए ना, कितना धक्के की बात है। ये तो हो गई रात, सत्युग त्रेता है दिन। सत्युग में है सुख, वहां परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भक्त बाप का सिमरण करते, साधना करते तो पतित ठहरे ना, तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्मा ही थी। सत्युग में और धर्म होते ही नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं है, देखो सत्युग में और धर्म होते नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं है वह फिर उस समय वह सजाए खाकर परम धाम में रहती है। गोल्डन एज सिल्वर एज में सिर्फ हम आत्माएं जिन्होंने ट्रेनिंग की है, ये रेगुलर ट्रेनिंग, उसको ही अलाउ करते हैं ना। कुछ कुछ वो प्रमोशंस होती है, उसमें केवल जो वो ट्रेनर्स हैं उनको ही दिया जाता है जिन्होंने उस तरह की ट्रेनिंग की। तो सत्युग में यही वाले आते हैं, तो बाकी सब आत्माएं धर्मों की आत्माएं कहाँ होगी, सजाए खाकर अभी लास्ट में परम धाम में जाती है, बैठती है। तो सत्युग में आती नहीं है, तो उन्होंने सत्युग और त्रेता का सुख भी नहीं देखा। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहां है ही प्रलब्ध। यहां तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहां एक घर में है, वहां तो एक घर में है, वहां मतलब यहां तुम बच्चों की अब है एक मत बाबा के यज्ञ में, वहां एक घर में अनेक मत। अब कलयुग, संगम युग, कलयुग स्विच ऑन करना होता है कभी बाबा, यहाँ कलयुग सत्युग। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना, इष्ट भी सबके अलग अलग। हाँ तो यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं, गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था, यह है बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, भक्ति की भी जंजीरें हैं, ये समझते थोड़ी है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है यहाँ आने के लिए। किसका अनुभव है, पहले बहुत मना किया था सब उनको। नहीं नहीं अपना अपना बताओ, वो नहीं, बस वो तो पता है कि मत जाओ वहां। आपको आपको भी मना किया था? नहीं, मतलब दुनिया में कभी कभी रिलेटिव्स भी मना करते, जरूरी नहीं कि युगली मना। किसी का अनुभव तो नहीं कि मना करो सब ब्रह्मा कुमारीज में मत जाना? बिंद्रा भाई सुना सुना? हाँ अच्छा। देखा दीदी कलकत्ते में, दीदी कलकत्ते में बांगुड़ में आपका हेड ऑफिस है, वहां पर एक बार मैं खड़ा था तो मैंने कहा मैं अंदर जाता हूँ, मेरे बगल वाले ने कहा कि मत जाओ, यहाँ सब आत्मा और भूत प्रेत रहते हैं, डर जाओगे, नींद नहीं आएगी। अच्छा। यहाँ सब आत्माएं बैठी है, वहां भूत। देखो कितने सारे, जब तक अंदर घुसे नहीं तब तक कितनी सारी बातें हैं। तो और कोई सत्संग में मना नहीं करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, इसलिए पहले 7 दिन का कोर्स, फिर 15 दिन का क्लास, फिर 8 दिन का सुपर एडवांस लेवल, उसके बाद क्लास में आते हैं। क्योंकि
जब तक याद ही नहीं तब तक लायक ही नहीं यहाँ बैठे और फिर बुद्धि इधर उधर जाए। माया नालायक बना देती है, कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये सब गाते हैं, गोया सब पतित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं, उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह अब तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना, अभी सबकी बुद्धियों का है बाबा। जब क्लास में बैठे मुरली में बैठे तब क्या याद आना चाहिए, सिर्फ टीचर। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखाते, अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी, तब अंत के लिए गायन है। वैसे हम सभी का अनुभव हो रहा है ना कि डे बाय डे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, याद में मेडिटेशन में प्रोग्रेस सबका अनुभव, पिछले महीने से, साल से नहीं, पिछले महीने से अब के अब चार चार मिनट एक बाप सिर्फ शिव बाबा परम धाम में, ये फीलिंग, ये भी देखना है कितने समय तक रहती है, 3 मिनट 4 मिनट ये पुरुषार्थ करो। तो अब हम अमृत वेले ये बहुत ज्यादा करते जा रहे कि सिर्फ बाबा, उसमें फिर कुछ भी और नहीं, किरणें भी नहीं, कुछ नहीं, बाबा, सिर्फ बाबा, मतलब उसमें फिर संकल्प और ना है। हाँ नेचुरल है वो तो है ही, आत्मा है तभी तो। अब ये प्रोग्रेस करने, हमारी एकाग्रता कितनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे करना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर यहां बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वे बिचारी याद हो गई ना, भल याद पूरी ठहरती नहीं है क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धियोग लगाना सिखलाते हैं, अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी, तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं, इसलिए यहाँ इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं होती। बहुत सारे कायदे हैं ना, मधुबन में जाना है, रेगुलर क्लास, बाबा से मिलना है, प्योरिटी, खान पान की शुद्धि। और वैसे भी जितने अच्छे अच्छे स्कूल्स होंगे ना उनकी स्पेशलिटी होगी, उतना ही कंपलसरी हाई डिसिप्लिन होगा, होता है दीदी। तभी तो इतना, किसी को बोलते हैं तो जल्दी से कोई आना नहीं चाहता। हाँ तो वो तो बोलो ना, वो तो अंडरस्टूड है, बहुत हाई लेवल की स्कूल है। कितने हम यहाँ तक की डिसिप्लिन में चोटी होते थे क्लास स्कूल्स में, तो वो सीधी चोटी नहीं कर सकते थे, उसको ऊपर करना होता था, और दो मतलब ऐसा भी नहीं ओपन है और वो सब तो चलता ही नहीं है, मतलब जो हम लोगों की भी स्कूल थी बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ अगर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर से चल रहे हैं आवाज आई, बुलाया जाता था, पनिशमेंट। तो ऐसे स्कूल में भर्ती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समझदार क्या प्रिफर करेंगे, बच्चों को कहाँ भेजे, क्योंकि फिर आपको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वहां रहकर ही सीख रहे, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, बहुत रिलैक्सेशन है। इसलिए बाबा कहते हैं तो इस क्लास में, तो इसलिए इस क्लास की वृद्धि नहीं होती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए, कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता, तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है, कहते ना झूठी काया झूठी माया, आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो फादर है ना, समझो बाप ज्ञान में आता है तो क्या होता है, क्या करना चाहिए, बोलो मनोज भाई।
अगर बाप ज्ञान में आता है, बोलो रमेश भाई, सब फादर्स बोलो क्या करना चाहिए, बाप बोला है तो अब बाप के रोल में अब क्या करना चाहिए, स्टीव को याद करना चाहिए, तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे, घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा ही पड़ता है, इसलिए मनुष्य का हृदय विदीर्ण होता है। यहां सुनते तो अच्छा अच्छा कहते परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते। समझते सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे, परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे, अपने तरफ से तो रचना को बाबा कितनी बार कहते जितना हो सके बचाओ, बाकी फिर उस आत्मा का भाग्य है अपने तरफ से, तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल तो हमने पुकारा ना कि सदगति दाता आओ, तो अब वह आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे, चॉइस है। बाप कहते अगर नहीं मानेंगे तो, मेरी नहीं मानेंगे तो सत्युग में कैसे चल सकेंगे। अच्छा अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहराना, फिर ठहर नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल है, मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा मतलब लौकिक में होता है ना, रचना वैसी नहीं है और पिताजी वैसे ज्ञान में है तो फिर इकट्ठे नहीं होते। अगर कहा स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती है। अच्छा फिर बाप कहते बच्चे तुमको सहन तो करना पड़ेगा, अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, किसी भी कीमत पर। बाबा कहते पवित्रता को रिलैक्स नहीं कर सकते, मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कहते बाहर निकलो, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है और ना ये ज्ञान सिखाता है, पर पवित्रता के कारण इस तरह का बहुत अत्याचार होता है और कभी हो ही जाता है, तो भी ऐसे समय बाबा कहते हैं बच्चे ठीक है, डिपेंडेंसी के कारण थोड़ा डर लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है बाबा कहते हैं बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। भगवान धर्म स्थापन कर रहे हैं और धर्म में इस तरह के जीवन का बलिदान होता है, वही जितने भी कहीं भी बलिदान हुए वो इस लेवल तक ही भी हुए, उनको काफी सहन करना पड़ा, तभी तो वो फिर आज फ्री इंडिया भी हुई, स्वतंत्र भारत, उसमें भी कितने बलिदान थे, ये एक तरह का, तो इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना, बच्ची को लौकिक बाप भी ऐश्लम नहीं देते हैं, वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है कि विकार में जाना पड़े, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। बाबा कहते हैं कई ऐसे हुए हैं केसेस होते हैं कि इधर से भी अलाउ नहीं कर रहे और वहां से भी अलाउ नहीं करते, वो भी एग्री नहीं करते, लेकिन वो आत्मा की हमने देखा विल पावर और बाबा की मदद इतनी मिलती है उस आत्मा को, स्थिति इतनी पावरफुल, बहुत भगवान की डायरेक्ट मदद मिलती है ऐसी आत्मा, क्योंकि कहीं भी अब सहारेपन का संकल्प ही नहीं है ना, बल्कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है ऐसी आत्माएं, तो बाबा इसलिए कहते हैं। परंतु पारलौकिक बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण,
पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे, चंद्रमा मुआफिक 16 कलर संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कलर संपूर्ण है ना, अभी है 9 कला, अभी तो सब पतित है। कहते हैं ना हम पतित, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय पतित तो नरकवासी हुआ ना, तो सब बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब सब पतित है, सारे इम्प्योर है। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, सत्युग में कोई रोता ही नहीं, तो तुमको यहां भी रोने का हुक्म नहीं। रोते हो तो गोया अभी तो नहीं आता है ना आंसू, आते है माता है पक्के, मतलब अब चलो ठीक है, संकल्प आ गया वैसे आ गया, अंदर ग्रीफ को प्रोसेस ही नहीं करो ना तो दर्द ही नहीं। रोना क्या है, पहले प्रोसेसिंग करते हैं, अंदर परिस्थिति होती है फिर बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, पास्ट प्रेजेंट उस परिस्थिति से कनेक्टेड, और फिर वो बाहर गरम गरम निकलता है, फिर आंखें भी खराब होती है, तो प्रोसेसिंग ही नहीं होती है कि ठीक है जैसे ही देखा अंदर चेंज कर दिया उसको। ये वाला पावरफुल चाहिए मशीनरी, ये तो आउटपुट है पूरा, है ना ठीक है। ऑनलाइन पक्के माता है, ऐसे भाई भी रोते हैं, ऐसा नहीं है, क्रोध भी क्या है, रोना ही तो है, एक कराना जोर से वो करना, तो बाबा कहते हैं तो सत्युग में कोई रोता ही नहीं। रोना मतलब ही एक्चुअली अपने आप को कमजोर प्रूव करना, मैं वीक हूं ये सर्टिफाइड है, ठीक है ना। हाँ तो तुमको यहां रोने का हुक्म ही नहीं है। रोया तो गोया अवस्था की कमी है, जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु ये भूल जाते हैं, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है, सत्युग निरोगी योगी दुनिया है, यहां तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे, यहां तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके, पतित को दिया तो वापस बाबा फोकस करे। आज वैरायटी पॉइंट है, अब देने की दान की बात आती, पतित को दिया, पतित मतलब जो नियमों का पर चलते नहीं, ज्ञान में नहीं, ये सब पतित है, तो पतित को दान देने से क्या होगा, दान को मिसयूज करेगा। हाँ एक्चुअली पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे, अपने ही काम के लिए करेंगे ना, और ही वही काम के लिए यूज करेंगे। यहां तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहां तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। देखो अगर वो पढ़ाई के लिए भी यूज होता है, लेकिन पढ़ाई से भी वो क्या कर रहे हैं, बाद में पतित ही बन रहे जब ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उस समय मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनको हर कोई की क्लास होती है, वो ग्रुप है ना हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का ग्लोबल हॉस्पिटल का, वहां जाके उनको वहां ले जाते सारा सामान, ब्राह्मणों का दिया हुआ रहता है, और फिर वहां वो टीम पूरी जाती है रहती है, उत्तराखंड का हुआ जितने भी ये भुज के बड़े लेवल पे हुए, और उनको ज्ञान देते हैं एक एक घंटे उनको क्लास उस समय, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा भी तो टू मच होता है, और फिर उनको चीजें भी देते जो भी, पर धन नहीं देते, ये है।
वहां तो पावन का, तो यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहां तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना, पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है, अभी तो मनुष्य की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्य की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात पांच तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा, शरीर की पूजा की, समझते कुछ भी नहीं है। तब कहा जाता है शरीर तो तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ, उसकी पूजा। तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे। देखो भगवान जिस तन में आया उसकी भी हम पूजा नहीं करते। यहां देखो सामने भगवान बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तन की कोई कोई तिलक लगाया या चरण धोके, कुछ नहीं। तो इसलिए वो अंधविश्वास जो है ना, बाबा का ज्ञान बहुत मॉडर्न है, तो इसलिए तो यहाँ यंगस्टर्स बहुत आते हैं। तुम वो सज्जे की औलाद सज्जे, तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर, यह भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सत्युग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक ब्रह्मा गुरु है, लेकिन कब गुरु ब्रह्मा कब, जब तक बाप इस तन में, जब बाप इस तन में आए, तो जब तक बाप इस तन में नहीं आते तब तक यह भी किस काम के। ऑर्डिनरी बिजनेसमैन गृहस्थी था, बेहद का बाप कहते जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा डैश बच्चा है। आज क्या बोल रहे हैं, सपूत बच्चा है। कपूत किसके लिए बोला, ज्ञान में नहीं चलते पवित्र नहीं बनते कपूत बच्चा। जैसे वापस याद दिला रहे बाबा, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है। कौन सा, कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक की स्पेशलिटी के लिए चाहिए प्योरिटी। तो बाप कहते हैं कि देह से देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो, इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए ना, और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोहजीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। प्योरिटी के बिगर आत्मा की फीलिंग आएगी नहीं। आत्मा की फीलिंग है इसका प्रूफ ही है कि पवित्र बनते जाएंगे, क्योंकि शरीर के साथ कनेक्शन ही नहीं होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और फिर आत्मिक फीलिंग होगी तो ममत्व निकालना इजी होगा। ममत्व के लिए बहुत ज्यादा क्लियरली आत्मा का पाठ साथ में रहने वालों के लिए बहुत पक्का करना होता है। इस आत्मा का पाठ है, जब तक है और जैसा है उतने तक और वैसा ही करेगी। आत्मिक प्यार मतलब क्या, रिस्पेक्ट गुड विशेष केयर और कंसर्न, अटैचमेंट नहीं, दर्द नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ रहा है उस आत्मा के लिए तो आत्मिक प्यार नहीं था। जो बाबा आजकल चल रहा है ना, रहम दिल, ये सब आत्मिक प्यार में आता है। तो बाबा कहते हैं शरीर से भी ममत्व निकालना है, मोहजीत की कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। वो राजा की कहानी,
वो बताते हैं। इसके दो तीन वर्जन्स है, एक तो वही कि उसके लिए और उस न्यूज बताया, और एक और वर्जन है कि उसके सामने उसके बेटे को काटा ऐसे मोहजीत राजा, क्योंकि वो फेमस था, मोहजीत नहीं है। बोला ठीक है उतना वजन कर लो। बोला इधर तक छुरी रखा, बिल्कुल मोह नहीं है। बोला नहीं बिल्कुल नहीं। तो बस करने ही वाला था वो सेंट, वो सन्यासी उसकी परीक्षा ले रहा था, फिर कहते भगवान प्रकट हो गए। और तो तुमको भी मोहजीत बनना है। स्टोरी मैंने बताया ना, रियल घटना, जो वो यही का दिल्ली का शायद गुड़गांव के सेंटर का एक माता, 60 साल 60 इयर्स कैंसर डिटेक्ट हुआ, और फिर बाद में थोड़ी दिनों के बाद बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, बताया था ना आप लोग, बॉम्बे में। और फिर वो गई, बहुत सफर कर रही थी, और फिर मतलब नेचुरल है, छोटा बच्चा, एक ही बेटा छोटा सा, और 60 इयर्स ओल्ड, तो समझ सकते हैं ना अभी बच्चा भी छोटा ही है, और जा ही नहीं रहे, तकलीफ तो बहुत हो रही थी काफी, कीमोज ये सब कुछ हो गया, एक साल हो गया, तकलीफ बहुत हो रही थी। तो वो गई, उसने बोला आप सब इनको, इसको छुट्टी दो। नहीं ऐसे कैसे छुट्टी दे, कोई नहीं छुट्टी। बोला तुम सब जाओ कमरे के बाहर, मैं जाती हूँ। बात की, वैसे तो कोमा स्टेज थी, तो उसने बात की कि तुमको यही लगता है ना कि बच्चे की पालना कैसे होगी, हम सब बैठे हैं, हम बहुत अच्छे से पालना करेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम दूसरी जर्नी, अगली जर्नी में जाओ जहाँ शरीर निरोगी मिलेगा, हमारे तरफ से कोई चिंता। बहुत 25 मिनट्स बातें की, 20 मिनट्स बात की, 5 मिनट्स योगदान दिया, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। हम सोचते कौन सुन रहा है, ये सुन रहा है, ये सुन रहा है, सुन कौन रहा है। और वो सिंपल माता है सेंटर पर, उसको मुरली भी पूरी समझ में नहीं आती है, लेकिन रेगुलर थी। आ रहा है यूट्यूब में भी, बहुत आ रहा है इसका। बहुत रेगुलर क्लास, कभी मिस नहीं करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। घुटने नहीं चल रहे थे एक बार क्लास में, कि मतलब उठे नहीं, गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते, लेकिन किसी ने उठाया गाड़ी में, बोला मुझे क्लास में बैठना है, क्लास में जाना है। देखो बाबा कैसे एक डिसिप्लिन भी फॉलो करे तो शक्ति कैसे बाबा देता है। गुड़गांव की है कोई, तो ये मोहजीत राजा यहाँ, तो आत्मा नहीं समझे ना तब तक ये सब, इतनी शक्ति आएगी भी नहीं ये सब। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है युद्ध का मैदान, इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते गज को ग्राह ने पकड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं यह यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी है, बहुतों को समझाते भी है, सेंटर्स भी संभालते हैं, अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसी हप कर लेती है माया, जो बाप के संग से ही भगा ले जाती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं है, सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं, कि फलाना नाक से पैदा हुआ, यह भी सत, इक्ष्वाकु राजा था ना, तो नाक से पैदा हुआ, यह भी सत, छीकाई। अच्छा हनुमान पवन से पैदा हुआ, हवा से, यह भी हाँ जी सत्य, बाबा ही कह रहे हैं। अब लॉजिक, वैसे तो हम ब्रह्मा कुमारी इसको सुनाते तो बड़े लॉजिकल पॉइंट सोचते, ऐसे कैसे ये वो, और इसमें हाँ जी कहाँ,
हाँ हाँ कहा ना ये, तब तब लॉजिक नहीं यूज की अपनी कि ये कैसे हो सकता है। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, यहाँ तो ज्ञान की बात है जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया, अब वापस कितनी वैरायटी पॉइंट्स बाबा बोल रहे हैं, बाप का बनकर पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते, देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़ी कहेंगे एक वर्ड हम ब्राह्मण कभी नहीं कह सकते। ब्राह्मणों की भाषा कई हमने कई कई बार चार्ट किया हुआ है, हम कभी नहीं कह सकते डैश, क्या नहीं कह सकते, हाँ तो आज कौन सी है राइट। ब्राह्मण कभी ये शब्द नहीं, ये लो अब ये थोड़ी कहेंगे, अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे, अब ये थोड़ी कहेंगे डैश क्या है, कुछ तो ट्राई करो। हे भगवान, सिंपल, हे बाबा, हे वर्ड हम नहीं यूज कर सकते। बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनते, हाय हे हे बाबा, ओ माइन, ओ शिव बाबा, ये सब दर्द के वर्ड्स है ना, ये क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह ड्रामा, ये यूज करो। जितनी बार भी कुछ होता है हे के जगह क्या करो, एक्चुअली उतने समय तक वो वातावरण को भी दर्द वाला कर देते ना, हे वाला कहकर। अच्छा मीठे मीठे हे के बजाय वाह बाबा, मतलब ड्रामा, वो भी हमें क्या वर्ड यूज करना है वो कर सकते हैं, ड्रामा हाँ तो ड्रामा यूज करो, ड्रामा नहीं मतलब अपने आप के लिए, अपने ही तो हम बोल देते पहले, मतलब अगर खुद को पहले संकल्प आएगा, हे वर्ड आएगा, तभी तो हम बाहर बोलेंगे ना। अच्छा पहला पॉइंट है चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है, 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरा है बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल, मोह जीत बन जाना है। शरीर से भी ममत्व निकाल, मोह जीत बन जाना है। मैं आत्मा हूं, इस तरह से शरीर से ममत्व निकलता जाएगा ना, मैं आत्माओं की फीलिंग ज्यादा होगी तो शरीर की फीलिंग, एक कपड़ा है पुराना हो गया फिर इस तरह से चेंज करना है, ऐसे ऐसे संकल्प आना चाहिए। अच्छा वरदान है अपनी दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले
विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। इतनी जिम्मेवारी, नशा अलग है, जिम्मेवारी अलग है। नशा के पॉइंट था वो संडे की मुरली, बाप टीचर सदगुरु भाग्यवान पद्मा पदम ये सब, लेकिन ये सोमान के साथ साथ जिम्मेवारी है। हमारी वृत्ति से विश्व का वातावरण, हमारी दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से प्रकृति और आत्मा पवित्र, और श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी। दृष्टि, वृत्ति और कर्म, तो ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले ताजधारी है। अच्छा, स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। योगी जीवन, योगी कैसे हुआ? मतलब योगी वैसे योगी जीवन नहीं है, पर लाइफस्टाइल तो पूरा योगी का है ना, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। योगी मतलब केवल योग लगाने वाले, वो तो ठीक है संगमयुग की डेफिनेशन, पर डिसिप्लिन्ड है ना। योगी का मतलब क्या है? कर्मेंद्रियों पूरे कंट्रोल में। योगी मतलब क्या? डिसिप्लिन्ड। योगी मतलब क्या? पूरे जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कंप्लीट, जैसे वही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, उसमें पूरा डिसिप्लिन है, उसको योगी कहेंगे। तो गुरु ब्रह्मा जो आज बाबा ने कहा वैसे तो है ही, क्योंकि गुरु ब्रह्मा जब शिव बाबा गुरु आए तब गुरु बना ना वो, तब उसके पहले वो गुरु नहीं था, पहले वो ब्रह्मा भी नहीं था। तो गुरु ब्रह्मा ठीक है, गुरु विष्णु नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वो उस कंटेक्स्ट में है। चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है ना, इसलिए हम आत्मा की कला घटती बढ़ती है, तब नाम के हिसाब से नहीं है, एग्जाम्पल के हिसाब से। तो आज का व्यक्ति सारा रहम का अर्थ है निर्बल आत्मा को बल देना, हिम्मत देना, आत्माओं के दुख का संकल्प। तो आप मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे यहाँ दुख की लहर है, ऐसे विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। समय निकालकर विशेष लाइट हाउस बन, विश्व की आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो। रहम दिल आत्मा, तो रहम दिल बनो, विशेष समय निकालकर आत्माओं को लाइट दो। और मेन है देना है,
ये संकल्प। तो ये भी यही आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि देने का संकल्प। अच्छा सुनेंगे थोड़ा। ओम शांति। आज याद प्यार किया क्या? माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा वाह बाबा।